हम बात करने जा रहे हैं जीरो टस एलएस सिरप के बारे में, जो एरिस्टो कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। इसमें लिबो सल्बुटामोल सल्फेट 1 mg, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg, गाइफेनसिस 50 mg है। हम इसके लिबो सल्बुटामोल सल्फेट के बारे में बात करते हैं। इसमें एक क्रोकोडाइलेटर है जो अस्थमा और क्रोनिक COPD के इलाज में किया जाता है, जैसे खांसी घरघराहट और सांस की तकलीफ को ठीक करता है और मांसपेशियों को आराम देता है और सांस नली को चौड़ा करके सांस लेने में आराम होता है। एम्ब्रोक्सी ए बलगम को पतला करने में मदद करता है और सांस लेने में आराम होता है और खांसी कम होता है। गाइफेनसिस एस्पेक्ट्रम कफ सिरप है जो छाती और गले में जमा कफ को ढीला करने में मदद करता है और मुंह से खांसी को बाहर निकालने में मदद करता है, जो सर्दी और एलर्जी के कारण होता है। जीरो टस एलएस सिरप के अब हम यूजेस के बारे में बात करते हैं। हुआ खांसी जिसके साथ बलगम आती है किसी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। किसी को खांसी करते समय छाती और घड़घड़ाहट आवाज़ आती है उसमें दिया जाता है। गले में हल्की खराश हो उसमें भी दिया जाता है। बार बार खांसी हो उसमें दिया जाता है। यदि अपने गले में श्वास नली में या चेस्ट में किसी प्रकार का जमा हुआ के कारण खांसी हो रहा है, उस खांसी को ठीक करने तथा बलगम को बाहर निकालने में इस दवा का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसे साइड इफ़ेक्ट के बारे में। डायजनेस, वॉमिटिंग, चेंज इन टेस्ट, डायरिया, हेडेच एंड रेसेस, ये इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। जीरो टस एलएस सिरप को एडल्ट के 10 ml करके 2 टाइम या 3 टाइम दिया जाता है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो हम आपके सामने ला सकें।